75 साल के कांग्रेसी नेता का MMS लीक, 7 मिनट के 2 वीडियो वायरल, 2 महिलाओं के साथ डर्टी पिक्चर, महिला ने लगाए संगीन आरोप। इन दिनों सोशल मीडिया पर 2 अश्लील वीडियोस वायरल हुए और इन वीडियोस को उस पार्टी के नेता से जोड़कर देखा जा रहा है जिसका नारा है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। यूजर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में राजस्थान में बाड़मेर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के सीनियर लीडर मेवा राम जैन के होने का दावा कर रही हैं। वायरल वीडियोस ने राजस्थान की राजनीति में तहलका मचा दिया है। लोग मेवा राम जैन को जेल में डालने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। एक्शन में आई राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मेवा राम जैन और 2 पुलिस अधिकारियों समेत 9 के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान कांग्रेस ने मेवा राम जैन को पार्टी से निकाल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने लगभग मेवा राम जैन से संबंधित सारा अश्लील कंटेंट हटा दिया है। वायरल वीडियो में मेवा राम जैन के साथ एक युवती और एक महिला दिख रही है। जिस तरह से वीडियो बनाया गया है उसे देखकर लग रहा है कि वीडियो बनाए जाने के बारे में शायद मेवा राम जैन को जानकारी नहीं थी। मोबाइल कैमरा एक अलमारी में रखा गया है, उसके बाद एक युवती दिखाई दे रही है। इस युवती से पहले एक महिला मोबाइल को सेट करती हुई नजर आ रही है। मेवा राम जैन जैसे सम्मान्य शख्स से जुड़ा इस तरह का अश्लील कंटेंट वायरल होना 100 बार लानत भेजने जैसा है। नेताओं के ऐसे कृत्य उनकी पार्टी को दागदार करने के लिए काफी है। क्या मेवा राम जैन जैसे अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने ऊपर ये सब लांछन बर्दाश्त कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। पुलिस अधिकारियों ने वायरल वीडियो पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है, वो वीडियो के संज्ञान में आने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। राजस्थान में पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने राजस्थान विधानसभा में मणिपुर में हुए यौन शोषण पर हुई चर्चा के दौरान कहा था, मणिपुर छोड़ो, यौन शोषण के मामले में राजस्थान खुद नंबर 1 होता जा रहा है। इस बयान से तत्कालीन CM अशोक गहलोत की भावनाएं आहत हो गई थी और उन्होंने राजेंद्र सिंह गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद भी राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बाहर आने के बाद भी यही बात कही थी कि राजस्थान कांग्रेस में ज्यादातर बलात्कारी भरे पड़े हैं। ना मानो तो इनका नार्को टेस्ट करवा कर देख लो। सुनिए, ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, महेश जोशी का, तो यदि सचिन तेंदुलकर है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म के, उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास PhD की डिग्री होती है। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। मेवा राम जैन ने इस मामले में पैकेज लिखे जाने तक की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पीड़िता के बयान हो चुकी हैं। बीते शुक्रवार को भी कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है इसके बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। इस पूरे मामले को देखकर कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जैसे हमारे देश की राजनीति कितनी बदसात हो गई है, क्या राजनीति की आड़ में कुछ भी किया जाना संभव है, क्या राजनीतिक रसूख के सामने महिला अस्मिता कोई मायने नहीं रखती, क्या नेताओं को अपने घिनौने कृत्यों पर लज्जा नहीं आती, पूरा मामला क्या है अब हम आपको बता देती हैं। पीड़िता ने जोधपुर के राजीव नगर थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि आरोपी राम स्वरूप और मेवा राम जैन ने उसका बलात्कार किया है और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला के खिलाफ पूर्व में राम स्वरूप ने बाड़मेर के कोतवाली थाने में महिला द्वारा ब्लैकमेल कर लाखों रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जोधपुर में दर्ज मामले में पीड़िता ने बाड़मेर के 2 पुलिस अधिकारियों समेत 7 के खिलाफ झूठ केस में फंसाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बीते राजस्थान चुनाव के दौरान मेवा राम जैन ने फोटो वायरल होने पर बयान दिया था कि मुझे बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। बता दें कि लगातार कांग्रेस की टिकट पर 3 चुनाव जीतने के बाद चौथा चुनाव 2023 में मेवा राम जैन BJP से बागी निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर प्रियंका चौधरी से हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।